हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास और प्लांट इकोलॉजी यूनिट हमने स्टार्ट की थी और ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स हम प्लांट इकोलॉजी में कवर कर चुके हैं आज हम पॉपुलेशन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अगर पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी हैं पहले के लेक्चर्स आपने नहीं सुने हैं प्लांट इकोलॉजी के तो आप चैनल पर देख सकते हैं पॉपुलेशन टॉपिक में जितने आगे सब टॉपिक्स हैं जितनी चीज़ें पॉपुलेशन से रिलेटेड पढ़नी है सब कवर करेंगे नोट्स के साथ तो नोट्स के साथ एक एक करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे सबसे पहले पॉपुलेशन है क्या इस चीज़ को देखिए अगर सपोज़ कई बार एग्ज़ाम में वन मार्क में या पॉइंट फाइव में आ ही जाता है कि डेफिनेशन भी आपको लिखनी होती है या फिर वैसे ही समझने के लिए भी आप देख लीजिए कि पॉपुलेशन होता क्या है पॉपुलेशन क्या है कि जैसे एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ है किसी भी चीज़ की मान लो आप बर्ड्स की स्पीशीज़ है ट्री की है किसी भी चीज़ की स्पीशीज़ है तो उसी स्पीशीज़ के कुछ ऑर्गेनिज़म्स का ग्रुप ठीक है कुछ ऑर्गेनिज़म्स का ग्रुप जो है जो कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहा है पर्टिकुलर रिसोर्सेज को कुछ सिमिलर रिसोर्सेज को शेयर कर रहा है साथ में या फिर रिसोर्सेज कम है तो कम्पीट कर रहा है पोटेंशियली इंटरब्रीड कर रहा है और वो ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिज़म्स का जो कि दूसरे ग्रुप्स के साथ थोड़ा सा आइसोलेटेड है टू सम डिग्री थोड़ा सा आइसोलेटेड है थोड़ा सा अलग है यानी कि आप कैसे क्या कह सकते हैं पॉपुलेशन क्या होती है कि एक स्पीशीज है पर्टिकुलर तो उसका एक सपोज करो उसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स मिले और एक ग्रुप बना लिया एक पर्टिकुलर एरिया पे रहने लगे सिमिलर रिसोर्सेज को शेयर करने लगे इंटरब्रीड करने लगे और वो जो दूसरे ग्रुप से थे थोड़े से डिफरेंट हो गए तो उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे पॉपुलेशन जैसे कि आप देखते हैं फॉरेस्ट है ठीक है फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होंगे तो टीक वुड के ट्रीज हैं वो एक पर्टिकुलर ग्रुप बना लेते हैं अपना कि हाँ एक एक साइड में जो है टीक के ट्रीज हैं तो ये इनका एक ग्रुप ऑफ ट्रीज हो गया तो उसको हमने बोला कि ये टीक की पॉपुलेशन है यहाँ पे है ना जैसे कल, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं लैब में एक कल्चर पेड में ठीक है तो बैक्टीरिया की एक Uh, है तो वही स्पीशीज़ लेकिन एक अलग सपोज करो ग्रुप ऑफ ऑर्गैनिजम्स बन गया वहां पर मतलब बैक्टीरिया की वही स्पीशीज़ है वन स्पीशीज़ ही है लेकिन ग्रुप अलग बन गया तो हम कहेंगे पॉपुलेशन अलग वो अलग पॉपुलेशन वर्ड कहलाएगा वो ठीक है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म अगर होगा तो जैसे एक पौड है वहां पे लोटस प्लांट्स है ठीक है तो वो भी होगा कि एक पॉपुलेशन है ये लोटस की पॉपुलेशन है यहाँ पर है ना एंड ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन वेटलैंड वेटलैंड में कॉर्मोरेंट्स एक बर्ड की स्पीशीज़ होती है ठीक है बर्ड स्पीशीज़ के लिए यूज़ किया जाता है तो ये था कि पॉपुलेशन होती क्या है एक्चुअल में इैड्स क्या होते हैं इकैट बर्ड जो है वो क्या होता है देखो इकैट्स e को हम अलग नाम से भी जानते हैं इकोफीन e ठीक है अगर आपके पास एग्जाम में आता है इकैड या इकोफीन्स एक ही चीज है ये एक्चुअल में क्या होती है ये मॉर्फोलॉजिकली चेंज्ड फॉर्म्स होती हैं मतलब ऐसी फॉर्म जो कि बस मॉर्फोलॉजिकली चेंज है जैसे हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं उसके बाद मैं ऊपर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी जैसे सपोज करो एक यूफोर्बिया हिटा ये यूफोर्बिया हिटा क्या है ये ग्रास की स्पीशीज है ग्रास की स्पीशीज है और इसके क्या है दो इकोफीन्स है मतलब दो इकैड्स हैं तो दो डिफरेंट इकैट्स हैं इसका मतलब क्या है कि इसके दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं और वो दोनों डिफरेंट ग्रुप्स में कुछ अलग अलग अडेप्टेस हैं क्योंकि वो दोनों डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रहते हैं जैसे कि हम अगर कहें यूफोरबिया हिटा हैज टू इैड्स या टू इकोफीन्स इसका मतलब ये है टू डिफरेंट ग्रुप्स हैं वन दैट हैज़ अडेप्टेड टू इन ड्राई सॉइल मतलब एक ग्रुप जो ड्राई सॉइल में रहता है और दूसरा ग्रुप होता है जो कि मॉइस्ट सॉइल में रहता है तो ये क्या हो गए दो डिफरेंट इकैट्स या दो डिफरेंट इकोफीन्स हो गए यू फोर्बिया हिट इसका आप थोड़ा सा ऊपर नोट्स पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इकैट्स मतलब क्या है कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज के डिफरेंट ग्रुप्स हैं ठीक है डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो कि उनके उन दोनों के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर वेरिएशन हैं अडेप्टेशन अलग 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 करेक्टर हैं अलग अलग वेरिएशन हैं क्यों हैं क्योंकि इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से वो दोनों ग्रुप्स अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में रह रहे हैं लेकिन ये जो वेरिएशंस उनके अंदर आते हैं ना ये वेरिएशंस जो होते हैं ये नॉन जेनेटिक मतलब उनकी नॉन जेनेटिक मतलब उनके जीन्स में नहीं हुए ये वेरिएशन variation. ये वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ उनकी मॉर्फोलॉजी में हुए हैं या आप कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उनके फिनोटाइप में हुए हैं मतलब एक्सटर्नल अपियरेंस में चेंजेस आ रहे हैं इसीलिए इसको हम बोलते हैं फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी मतलब वेरिएशन आर शोन बाय फिनोटाइप वेरिएशन आर शोन बाय फिनोटाइप इसीलिए बोला गया है फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी ठीक है ये आप क्लियर कर लीजिए कि जितने भी डिफरेंसेस आ रहे हैं ये इकोफीन्स के अंदर मतलब दो डिफरेंट अगर ग्रुप बन रहे हैं दो डिफरेंट इकोफीन्स हैं दो इकोफीन्स हैं अगर किसी एक स्पीशीज के तो उसमें जो दोनों में डिफरेंसेस होंगे वो परमानेंट नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे वो परमानेंट क्योंकि चेंजेस कोई उनके जीन्स में नहीं हुए चेंजेस सिर्फ और सिर्फ उनकी मॉर्फोलॉजी में हुए हैं फिनो टाइप में हुए हैं इसलिए हम बोलेंगे कि वो टेम्परेरी वेरिएशंस हैं या फिर टेम्परेरी चेंजेस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए गए हैं ताकि वो नए इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सके ठीक है और चेंजेस सिर्फ मॉर्फोलॉजी में हो रहे हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकली चेंज्ड फॉर्म्स ठीक है ये इकैड्स का कॉन्सेप्ट था होप कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा इसी के साथ हम पढ़ेंगे इको टाइप क्या होते हैं आपने पढ़ा एक एड्स को हमने इकोफीन्स कहा था तो जब दो इकोफीन्स सपोज करो जब दो इकोफीन्स हैं और वो जहाँ पर जिस इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रह रहे हैं ना उसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस में बहुत लंबे समय तक अगर वो रहे बहुत लंबे समय तक अगर वो रहे तो जो वेरिएशंस जो अडेप्टेशन्स उनके अंदर आए थे उस इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से वो अब परमानेंट होने लगते हैं क्योंकि कोई भी कैरेक्टर है वो कितने समय तक टेम्परेरी रहेगा तो अब वेरिएशंस जो सिर्फ और सिर्फ उनकी मॉरफोलॉजी में थे अब वो उनके जीन्स में आने लगते हैं और वो वेरिएशंस टेम्परेरी ना रह करके परमानेंट वेरिएशंस बनने लगते हैं और ये अडेप्टेश परमानेंट क्यों होते हैं क्योंकि जो चेंजेस होते हैं वो जीन्स में होने लगते हैं ठीक है तो आप क्या कह सकते हो कि एक पॉपुलेशन जो कि सेम स्पीशीज़ की ही है लेकिन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रह रही है डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में रह रही है तो वो जेनेटिकली चेंज हुई है उसने कुछ स्पेसिफिक फीचर्स अगर अटेन करे हैं परमानेंटली परमानेंटली करे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे इको टाइप कोटाइप हमने कब बोला कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज थी उसकी एक पॉपुलेशन जो है अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में रही बहुत लंबे समय तक उसके जीन्स में चेंजेस आ गए और वो परमानेंटली उसके अंदर वो अडेप्टशंस वो वेरिएशंस आ गए तो हमने उसको बोला इको टाइप यानी कि जैसे हम पहले इको एक कैड्स को हमने मॉर्फोलॉजिकली चेंज फॉर्म्स बोला था ऐसे ही हम इको टाइप को क्या बोलते हैं जेनेटिकली अडेप्टेड पॉपुलेशन क्योंकि अडेप्टेस अब जीन्स में आ चुके हैं तो जेनेटिकली अडेप्टड पॉपुलेशन जैसे कि पाइनस सिल्वेस्ट्रिस है ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ है इसके ट्वेंटी डिफरेंट इकोटाइप्स होते हैं अगर आप देखें स्कॉटलैंड से लेकर साइबेरिया एरिया तक ये रिसर्च की गई है कि ट्वेंटी डिफरेंट इकोटाइप्स होते हैं यानी कि डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशनस में रहते हुए डिफरेंट डिफरेंट अडेप्टशन आई हैं और वो अडेप्टशनस अब इनके अंदर परमानेंट हो चुकी हैं तो इसलिए उस पर्टिकुलर स्पीशीज को हम उस पर्टिकुलर ग्रुप को हम बोलते हैं कि ये दिस इज़ द इको टाइप ऑफ दिस स्पीशीज ठीक है तो ये आपको क्लियर हो गया होगा इको टाइप भी समझ में आ गया होगा अच्छे से नोट्स के लिए भी ये इनफ है एग्जाम्पल भी इसमें दिया हुआ है इसी को आप अपने नोट्स में कॉपी डाउन कर लीजिएगा इकोटाइप यहाँ से कवर हो गया है कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो देख लेते हैं क्योंकि कई बार वन मार्क क्वेश्चन में सिर्फ uh, सीधे डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं एग्जाम्स में इको लाइन क्या होता है देखो अभी मैंने बताया इको टाइप क्या होता है अभी अभी हमने देखा तो जब दो इको टाइप्स के बीच की जो फॉर्म होती है मतलब ना तो वो फर्स्ट इको टाइप से कम्पलीटली रिजेंबल कर रही है ना सेकेंड टाइप से मतलब इंटरमीडिएट फॉर्म है दोनों की तो उस फॉर्म को उस पर्टिकुलर ग्रुप को हम बोलते हैं ईको लाइन इको टोन क्या होता है जैसे दो कम्युनिटीज़ है कोई भी तो उन दोनों कम्युनिटीज के बीच का जो ओवरलैपिंग जोन होता है जो ट्रांजिशन होता है जोन मतलब एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी के बीच का जो जोन है उस जोन को बोलते हैं इको टोन ठीक है और जो दो इको टाइप के बीच में फॉर्म आ रही है जो एक पर्टिकुलर प्लांट फॉर्म और मतलब species, उसकी फॉर्म स्पीशीज की उसको इको लाइन बोलते हैं कि स्टोन स्पीशीज क्या होती हैं की स्टोन स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो एक स्मॉल पॉपुलेशन के उसकी भले ही स्मॉल पॉपुलेशन हो जैसे एक कम्युनिटी है उस कम्युनिटी में बहुत सारी स्पीशीज़ हैं तो एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ जिसका नंबर तो बहुत कम है उसकी पॉपुलेशन तो बहुत कम है लेकिन बहुत मेजर इन्फ्लुएंस है उस कम्युनिटी को आ, उस कम्युनिटी के अंदर बहुत मेजर इन्फ्लुएंस है उस कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में अगर वो एक स्पीशीज़ चली गई तो शायद कम्युनिटी उतने बैलेंस तरीके से नहीं रह पाएगी ट्रॉफिक लेवल्स डिस्टर्ब हो जाएंगी कम्युनिटी का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा तब तो जो ऐसी स्पीशीज़ होती हैं कम्युनिटीज के अंदर कि जिनका नंबर तो कम है पर रोल बहुत बड़ा है तो ऐसी स्पीशीज़ को बोलते हैं की स्टोन स्पीशीज़ एज इफ़ेक्ट क्या होता है देखो इकोटोन का एरिया है तो हाई डाइवर्सिटी जब उसके अंदर हो जाती है तो उसको बोलते हैं एज इफेक्ट बताया ना मैंने अभी इकोटोन का एरिया कौन सा होता है जो दो कम्युनिटीज के बीच का ट्रांजिशन जोन होता है उसको बोलते हैं इकोटोन अब इस इकोटोन के एरिया में जब हाई डाइवर्सिटी होती है उसको क्या बोलते हैं एज इफेक्ट और एज इफेक्ट और उस जो डाइवर्स स्पीशीज वहां पर रह रही हैं इकोटोन के एरिया में उन स्पीशीज को बोलते हैं एज स्पीशीज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये टर्मिनोलॉजीज हाँ इकैट्स और इकोटाइप्स और जो मैंने पॉपुलेशन एक्सप्लेन किया वो इम्पॉर्टेंट था पर इसको भी देख लीजिएगा और कॉपी डाउन आप नोट्स कर सकते हैं और आज के लेक्चर में इतना ही और नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉपुलेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स और क्लास के साथ जुड़े रहिएगा और बाकी लेक्चर्स भी देखते रहिएगा थैंक यू